हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आईफोन 12 प्रो मैक्स का 2 वीक्स का रिव्यू। तो मैंने इस फ़ोन को जो है पूरा दिन और पूरी रात यूज़ किया, मतलब कंटिन्यूसली यूज़ किया है। सारे ऐप्स डाउनलोड किए हैं, सारी गेम्स डाउनलोड किए हैं, फुल टेस्टिंग करी है। एप्पल जो जो बोलता है सारा कुछ, उसका लाइव प्रूफ सबको टेस्टिंग करी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यार, अगर मैं पर्सनली जैसे मैं अपने लिए अगर मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो यार ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब आईफोन 12 प्रो मैक्स स्क्रीन साइज़ हमको पहली बार एप्पल से 6.7 मिलता है। तो कंप्लीट लुक जो एप्पल ने डिफाइन कर रही है और फ्लैट डिज़ाइन है, तो स्क्रीन इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने आईफोन 11 भी यूज़ किया, आईफोन 10 भी यूज़ किया है, तो इतना मतलब स्क्रीन में मज़ा नहीं आया था। और सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले ने इस बार मतलब बहुत ज़्यादा कमाल किया। प्लस फ्लैट डिस्प्ले है तो बहुत ज़्यादा निखर के आई है, 1200 निट्स की ब्राइटनेस है। और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, तो जो पीछे से आप मैट देख रहे हो, ये मैट इतना ज़्यादा अच्छा है। और जो कैमरा के अंदर ग्लॉस आ रहा है, तो तभी ये प्रो मॉडल्स में एप्पल हमेशा रखता है कि पीछे मैट रखता है, जो बहुत लोगों को पसंद है, और ग्लॉस रखता है कैमरा में, तो फ़ोन जो है शाइन करता है कवर लगाने के बाद। तो ये इटसेल्फ एप्पल की बहुत अच्छी बात है। और आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स जो है, मतलब नए कलर्स जो है एप्पल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकाले हैं। मैं पर्सनली आईफोन 12 प्रो मैक्स ब्लू ही लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है नया कलर है ज़्यादा चलेगा। तो यार, अब यूज़ करने में कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा एप्पल और क्या लेकर आएगा। मतलब आईफोन 13 आता है, आईफोन 14, 15, तो तीन कैमरा से ऊपर तो एप्पल नहीं लेके आएगा, ये तो श्योर है 100%। मतलब सारे लीकर्स ये बोलते हैं कि तीन कैमरा और लाइडर ले आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो लेके आ गया इस बार। लेकिन उससे आगे चार कैमरा नहीं हो सकते, क्योंकि एप्पल अपनी लुक ख़राब नहीं करेगा। इससे बात चल रही है लीक्स की कि पोर्टलेस कर देंगे और टच आईडी आ जाएगी, तो ये तो पुरानी चीज़ें हैं। मतलब अगर टच आईडी की बात करें तो पोर्टलेस एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैगसेफ आ गया है। एप्पल नई चीज़ें ट्राई करता रहेगा, और जो हमको 2022 में है मिल सकते हैं हमारे फोल्डेड आईफोन, जिसके ऊपर बहुत सारे लीक्स चल रहे हैं। बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, तो यार बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन है। साइड से अगर हम देखेंगे तो मतलब साइड से तो पकड़ने में अलग ही फील आती है इन हैंड ग्रिप है, क्योंकि मेरा थोड़ा हाथ भी बड़ा है, इसलिए मैंने 6.7 लिया। तो यार, अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज़ और डिस्प्ले की। तो यार 6.7 एप्पल का नया स्क्रीन साइज़ आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत सारे यूज़र 6.5 में खुश नहीं थे, जो 11 प्रो मैक्स था, और 6.7 तो एक अच्छा एडवांटेज लेकर आया एप्पल यूज़र्स के लिए। स्पेशली मैं बात करूँ सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले की, तो ये डिस्प्ले ने बहुत ही ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंस दी है। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ़ोन सिंगल हैंडेडली यूज़ करना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन यूजुअली 90% यूजर्स जो हैं वो डबल हैंडेडली यूज़ करते हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब आप सिंगल हैंडेडली यूज़ करते हो। और स्पेशली सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना महंगा फ़ोन ले रहे हो, अगर 130,000 का, 120,000 का, तो आप सिंगल हैंडेडली बहुत कम यूज़ करोगे। मतलब स्टार्टिंग की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं तो नहीं करता सिंगल हैंडेडली यूज़। और बाकी 6.7 एज टू एज डिस्प्ले आ रही, क्योंकि बेजल्स भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए, नॉच वैसी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो में, तो नॉच जो है हमको बहुत ही ज़्यादा पतली लगती है, बहुत ज़्यादा छोटी लगती है। एप्पल तो नहीं बोल रहा कि छोटी हो गई है, लेकिन मेरे को पर्सनली यूज़ करने में ऐसा लग रहा है कि आईफोन जो है नॉच जो है वो छोटी कर दी है। तो यार, अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क इंप्रूवमेंट्स की। तो मेरे को पर्सनली इस बार एप्पल ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा। क्योंकि नेटवर्क इंप्रूवमेंट्स की बात करूँ, तो पहले जब मैं आईफोन यूज़ करता था अपने घर में, मतलब इस वाले रूम में जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो नेटवर्क जो है वो फुल नहीं आते थे। मतलब जो है जो बार्स होते हैं नेटवर्क वाले, वो हमेशा एक या दो कम ही रहते थे। लेकिन अब मैं बात करूँ तो आईफोन 12 प्रो मैक्स में सारे के सारे फुल हैं और मैं अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। हालांकि कहीं ना कहीं कभी कभी कॉलिंग के टाइम पे जो है वो एक दो नीचे ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल कॉल कर रहे हैं तो ज़्यादा यूटिलाइज होता है। वरना मेरे को फुल अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ, चाहे वो जियो की सिम हो, वोडाफोन की सिम हो, क्योंकि मैं इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ जियो की सिम और मेरा भाई यूज़ कर रहा है वोडाफोन की सिम, तो दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस है। एयरटेल यूजर्स बहुत ज़्यादा कम है अभी इस टाइम पे। बाकी एप्पल जो है बहुत ही अच्छा नेटवर्क इंप्रूवमेंट ला के दे रहा है। iOS 14.3 में जो भी है नेटवर्क इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रही हैं, आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। iOS 14.2 जो आप लोगों ने अभी तक अपडेट कर लिया होगा, उसमें इंप्रूवमेंट्स आई हैं नेटवर्क की, और उसके बाद से मेरे को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग मिला है नेटवर्क। तो यार, अब हम बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। तो बैटरी बैकअप यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, मैं अराउंड 6 to 7 hours यूज़ करता हूँ कंप्लीट, मतलब 6 to 7 hours पूरे दिन में यूज़ करता हूँ फ़ोन। उसमें 1 घंटा पबजी खेलता हूँ, 1 घंटा यूट्यूब और 1 घंटा इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया ज़्यादा होता है मेरा। तब भी मेरी जो बैटरी है वो आराम से रात के 11-12 बजे तक फुल चलती है, मतलब तब भी 15% 17% पे आती है। मतलब आईफोन 12 प्रो मैक्स का बैटरी बैकअप एप्पल ने बहुत ही अच्छा दिया है।
ये सिर्फ और सिर्फ A14 बायोनिक चिप है जो एप्पल की, उसका कमाल है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो बैटरी का MAH है वो बहुत ही ज़्यादा कम है अदर अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे फ़ोन से। अगर आप OnePlus 7 की बात करें, OnePlus 8 की बात करें, Samsung के गैलेक्सी सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ की बात करें, नोट सीरीज़ की बात करें, तो बहुत लोग बोलते हैं कि एप्पल जो है वो बहुत कम बैटरी बैकअप देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूज़ करने की, तो यार पर्सनली मैं एक घंटा पबजी खेलता हूँ, आपको पता ही है इतनी हैवी गेम्स खेलने के बाद बैटरी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। 90% यूजर्स जो है वो चार्जिंग लगा के उसके बाद चार्जिंग लगा लेते हैं, लेकिन मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही अपने iPhone 12 Pro Max में। मैं पूरा पूरा दिन ये फ़ोन यूज़ करता हूँ, पर्सनल फ़ोन मैंने इसको बना रखा है। मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही दूसरे फ़ोन के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बैटरी बैकअप है iPhone 12 Pro और 12 Pro Max का। 12 Pro Max का ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको बोलूँगा। यार अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी गेम्स डाउनलोड करी हैं, बहुत हैवी गेम्स डाउनलोड करी हैं और कमाल का परफॉर्मेंस है। मतलब मैं टेस्ट कर रहा था iPhone 11 और iPhone 12 Pro Max के साथ, मैं भी आपके लिए कंपैरिजन बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो कमाल की परफॉर्मेंस है, A14 बायोनिक चिप कमाल कर रही है मार्केट में, आप देख सकते हो। ये आईफोन 8 और ये पबजी मैं खेल रहा हूँ फ़ोन में, तो कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है। मतलब गेमर्स के लिए तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज़ निकल के आई है। बहुत सारे लोग जो मोबाइल यूज़ नहीं करते क्योंकि मोबाइल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूँ हैवी गेम्स की, पबजी हो गई, COD हो गई या और कोई गेम हो गई, तो मैं बोलूँगा कि वो डेफिनेटली मजबूर हो जाएंगे iPhone 12 Pro Max पे शिफ्ट करने के लिए, या फिर कोई भी iPhone का मॉडल हो, चाहे वो 13 आए या बाद में 14 आए, क्योंकि अब के जो फ़ोन्स हैं वो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटरी बैकअप के साथ में। तो यार हम बात कर लेते हैं iPhone 12 Pro Max के कैमरा इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। तो यार कैमरा में तो अलग सी जान डाल दी एप्पल ने। जो सभी को पता है iPhone 12 Pro Max में सेंसर शिफ्ट दिया, जिससे वीडियो स्टेबलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ या कोई भी वीडियो शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS में, तो वीडियो जो है वो ऐसे स्टेबल, मतलब यूजुअली अगर आप DSLR से भी करोगे ना तो ऐसे शेक करती जाएगी। अगर मैं iPhone 12 Pro Max में कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब वीडियो मेरी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। आप अपनी स्क्रीन पर लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो और कमाल के एप्पल जो है परफॉर्मेंस दे रहा है हमको, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वीडियो मेरी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, व्लॉगर्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ फ़ोटो की, तो फ़ोटो जो है बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आई हैं फ़ोटो में। आप अपनी स्क्रीन पर लाइव एग्जांपल्स देख सकते हो कि कितनी अच्छी क्लिक्स आई हैं इस फ़ोन से। मैं डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है कमेंट किया था कि iPhone 11 और iPhone 12 Pro Max पे कंपैरिजन लेकर आना, मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी दो लोगों ने मेरे को मैसेज किया था। अभी डेफिनेटली यार सब्सक्राइबर्स कम है, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो बहुत लोग जुड़ते जाएंगे, बहुत लोग कमेंट करते रहेंगे, मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो यार हम बात कर लेते हैं पूरे कंक्लूजन की इस फ़ोन के बारे में। तो यार आप लोग सोचोगे कि खुद इसके पास iPhone 12 Pro Max है तो इतनी तारीफ कर रहा है, या फिर इसका खुद का चैनल है Apple in India। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली गारंटी दे सकता हूँ कोई भी Android यूज़र को, या फिर कोई भी ऐसा Apple यूज़र जो पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर वो एक बार इस फ़ोन पर स्विच करके देखेगा तो उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की तो बहुत तगड़ी, मैंने इतनी गेमिंग करी, इतना मज़ा आया। कैमरा की बात करूँ तो इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स मिली हैं, कैमरा शिफ्ट स्टेबलाइजेशन हमको मिली है, 4K 60 FPS मिला है, तो मतलब कमाल की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूँ अभी लाइव एग्जांपल की, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी DSLR से जिससे मैं शूट कर रहा हूँ और iPhone 12 Pro Max में कितना डिफरेंस है। तो आओ ये डिफरेंस देखते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। तो 3, 2, 1 गो। तो यार अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हो रही है iPhone 12 Pro Max गोल्ड से, मेरे हाथ में ब्लू। मैंने खुद एडिटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखना, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना डिफरेंस मिला। और हो सकता है हम सारी अगली वीडियोस iPhone 12 Pro Max से ही लेकर आएंगे। अब हम वापस स्विच कर रहे थे अपने DSLR पे। सो 3, 2, 1 तो हम वापस आ गए अपनी DSLR क्वालिटी पे। आई नो थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों को ज़रूर लगा होगा, हो सकता है ज़्यादा ही लगा हो, क्योंकि अभी मैं कैमरा के सामने हूँ तो मुझे नहीं पता कि कैमरा के पीछे कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये था पूरा iPhone 12 Pro Max का डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है ये। तो ये थी पूरी कहानी। और आप मेरे को ये बताना कि कमेंट सेक्शन में मैं अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ इसी पावरफुल फ़ोन के साथ में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।